सोलन में जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं वे अब प्रमाण के साथ अपनी फसल को बाजार में बेच सकेंगे, क्योंकि पालमपुर की ग्लोबल सर्टिफिकेशन सोसाइटी जैविक खेती का प्रमाण पत्र किसानों को दे रही है। ये संस्था किसानों के खेतों का मुआयना करती है और अगर फसल संस्था की नियमों और शर्तों के अनुसार पैदा की जाती है तो संस्था द्वारा उन्हें जैविक खेती का प्रमाण दिया जाता है। सोलन में जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं वे अब प्रमाण के साथ अपनी फसल को बाजार में बेच सकेंगे, क्योंकि पालमपुर की ग्लोबल सर्टिफिकेशन सोसाइटी जैविक खेती का प्रमाण पत्र किसानों को दे रही है। ये संस्था किसानों के खेतों का मुआयना करती है और अगर फसल संस्था के नियमों और शर्तों के अनुसार पैदा की जाती है तो संस्था द्वारा उन्हें जैविक खेती का प्रमाण देती है। गौरतलब है कि अभी तक हिमाचल में ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो जैविक खेती का प्रमाण पत्र किसानों को उपलब्ध करवाती थी, लेकिन अब इस संस्था द्वारा उन किसानों को फायदा होगा जो वास्तव में जैविक खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं। अधिक जानकारी देते हुए ग्लोबल सर्टिफिकेशन सोसाइटी के इंस्पेक्टर हिमांशु शर्मा ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा उन किसानों को प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये प्रमाण पत्र किसानों को तभी दिए जाते हैं। प्रमाण पत्र देने से पहले संस्था का इंस्पेक्टर खेत का निरीक्षण करता है और अगर वे पाता है कि फसल जैविक खेती के मानकों पर खरी है तभी किसानों को प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रमाण पत्र के आधार पर किसान अपनी फसल को अच्छे दामों पर बाजार में बेच सकता है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में जैविक खेती करने का बेहद अच्छा अवसर किसानों के पास है जिसे अपना कर वे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मेरा नाम हिमांशु शर्मा है और मैं ग्लोबल सर्टिफिकेशन सोसाइटी पालमपुर में एज ए इंस्पेक्टर ऑडिटर काम करता हूँ। हमारी जो है संस्था ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का काम करती है, जैविक प्रमाणीकरण का। तो जो किसान जो है ऑर्गेनिक या जैविक खेती कर रहे हैं वो हमारी बॉडी या हमारी सोसाइटी के थ्रू जो है अपनी खेती का प्रमाणीकरण कर सकते हैं और इसमें जो है हमारी बॉडी उनकी जो है फील्ड की इंस्पेक्शन करेगी और उनकी इंस्पेक्शन के बेसिस पे जो है उनकी सर्टिफिकेशन हो जाएगी। इसका जो है फायदा जो है किसान अपने जो भी वो उत्पाद अपने खेत में उगा रहे हैं उसको बेचने के लिए उनको जो है फायदा मिल सकता है, क्योंकि उनका जो उत्पाद है वो अच्छे रेट में जो है आगे बिकता है। हिमाचल में जैविक खेती का बहुत अच्छा स्कोप है तो किसान जो है इस चीज़ का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। इसमें किसान की तरफ से थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी लगती है, जैसे कि उसका आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, उसका जो है कितने वो खेती में कितनी खेती में वो ये खेती कर रहे हैं कितने एरिया में, ये हमारे को डिटेल चाहिए होती है। और उसके साथ ही हमारी तरफ से कुछ फॉर्मेलिटीज होती है डॉक्यूमेंटेशन बेसिस पे। साथ ही साथ जो है हमारी तरफ से एक इंस्पेक्टर ऑडिटर जो है उनकी फील्ड की इंस्पेक्शन करता है, उसी बेसिस पे जो है प्रमाणीकरण होता है कि ये जो किसान है ये जैविक खेती कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।